हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आपने स्टार्टिंग में स्टेटस वीडियो देख ही लिया। इस टाइप के वायरल रील लिरिक्स वीडियो एडिट करना चाहते हो तो इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखना। हाइलाइट मोशन ऐप को ओपन करते हैं। जैसे ही ऐप को ओपन करते हैं इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलता है। प्लस पर टैप करना है। आप यहाँ से वीडियो रेशो सेलेक्ट कर सकते हैं, इस पर टैप करना है। कलर पर टैप करना है, वाइट कलर सेलेक्ट करना है। क्रिएट प्रोजेक्ट पर टैप करना है। वीडियो फॉर्मेट से सॉन्ग यूज करने के लिए प्लस पर टैप करना है। मीडियम में टैप करना है। आपको यहाँ से वीडियो को सिलेक्ट करना है जिस वीडियो का सॉन्ग यूज करना चाहते हैं। वीडियो लेयर पर टैप करना है। थ्री डॉट पर टैप करना है। ऑडियो पर टैप करना है। वीडियो को डिलीट कर देना है। सॉन्ग को प्ले करके देख लेना है। देन आपको मार्क करना है सॉन्ग के अकॉर्डिंग। प्लस पर टैप करना है। मीडियम में टैप करना है। आपको यहाँ से फोटो को सिलेक्ट करना है जिस पर वीडियो एडिट करना चाहते हैं। इस टाइप की फ़ोटो फाइंड करने के लिए आपको बैक आना है। पिंटरेस्ट ऐप को ओपन करना है। सर्च बार पर टैप करना है। आपको यहाँ पे सर्च करना है कार्टून कपल। जैसे ही सर्च करते हैं आपको यहाँ पे इमेज मिल जाएगी। आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। बैक आना है। फोटो पर टैप करना है। मुंह पर टैप करना है। इस पर टैप करना है। आपको इसके साइज को कम कर देना है। बैक आना है। प्लस पर टैप करना है। आपको यहाँ से शेप को सिलेक्ट करना है। शेप लेयर पर टैप करना है। एडिट शेप पर टैप करना है। वाई पर टैप करना है। 435 कर देना है। रेडियस रेडियस पर टैप करना है। रेडियस रेडियस पर टैप करना है। 140 कर देना है। बैक आना है। टूल लेयर पर टैप करके होल्ड करना है। आपको सेकंड ऑप्शन देखने को मिलता है, इस पर टैप करना है। ग्रुप पर टैप करना है। एडिट ग्रुप पर टैप करना है। इमेज पर टैप करना है। मुंह पर टैप करना है। आप यहां से फोटो को सेंटर में कर सकते हैं। इस पर टैप करना है। आप यहाँ से इसकी साइज को कम ज़्यादा कर सकते हैं। बैक आना है। फोटो एंड शेप लेयर पर टैप करके होल्ड करना है। आपको सेकंड ऑप्शन देखने को मिलता है, इस पर टैप करना है। ग्रुप लेयर पर टैप करना है। शैडो पर टैप करना है। सेकंड ऑप्शन पर टैप करना है। शैडो को इनेबल कर देना है। साइज पर टिक करना है। 30 कर देना है। नीचे की साइट आना है, इस पर टैप करना है। 0 कर देना है। बैक आना है। क्राउन इमोजी ऐड करने के लिए प्लस पर टैप करना है। टेक्स्ट पर टैप करना है। आप यहाँ पे इमोजी टाइप कर सकते हैं। कलर पर टैप करना है। इस पर टैप करना है। आपको इसको नीचे की साइड कर देना है। इस पर टैप करना है। इमोजी को सेंटर में कर देना है। फॉन्ट पर टैप करना है। आपको यहाँ से iOS फॉन्ट सेलेक्ट करना है। फॉन्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। 18pt पर टैप करना है। आप यहाँ से इसके साइज को बढ़ा सकते हैं। टिक कर देना है। लेयर पर टैप करना है। मुँह पर टैप करना है। इसकी पोजिशन को सेट कर देना है। बैक आना है। सॉन्ग लिरिक्स लिखने के लिए प्लस पर टैप करना है। टेक्स्ट पर टैप करना है। आप यहाँ पे लिरिक्स टाइप कर सकते हैं। कलर पर टैप करना है। ब्लैक कलर सेलेक्ट करना है। इस पर टैप करना है। सेंटर में कर देना है। फॉन्ट पर टैप करना है। इस पर टैप करना है। आपको यहाँ पे सर्च करना है MON। नीचे की साइट आना है। आपको यहाँ से इस फॉन्ट को सिलेक्ट करना है। इस पर टैप करना है। 18pt पर टैप करना है। आप यहाँ से इसके साइज को बढ़ा सकते हैं। टिक कर देना है। लिरिक्स लेयर पर टैप करना है। मुंह पर टैप करना है। इसकी पोजीशन को सेट कर देना है। इस पर टैप करना है। आप यहाँ से इसके साइज को कम ज़्यादा कर सकते हैं। बैक आना है। लिरिक्स में इफेक्ट ऐड करने के लिए लेयर पर टैप करना है। इफेक्ट पर टैप करना है। ऐड इफेक्ट पर टैप करना है। नीचे की साइट आना है। टेक्स्ट पर टैप करना है। आपको यहाँ से इस इफेक्ट को सिलेक्ट करना है। स्टैंडर्ड सेटिंग कर देना है। इस पर टैप करना है। 10 कर देना है। बैक आना है। लेयर पर टैप करना है। एडिट टेक्स्ट पर टैप करना है। आपको इसको एक लाइन में कर देना है। लेयर पर टैप करना है। इफेक्ट पर टैप करना है। ऐड इफेक्ट पर टैप करना है। कलर एंड लाइट पर टैप करना है। आपको यहाँ से लॉन्ग शैडो को सिलेक्ट करना है। स्टैंडर्ड सेटिंग कर देना है। ओपन करना है। साइज पर टिक करना है। 0.020 कर देना है। नीचे की साइट आना है। अल्फा पर टैप करना है। 12 कर देना है। बैक आना है। न्यू प्रोजेक्ट पर टैप करना है। एनिमेशन ऐड करने के लिए ग्रुप पर टैप करना है। मुंह पर टैप करना है। स्टार्टिंग में आना है। स्टार्टिंग में प्लस देना है। एंड में आना है। एंड में प्लस देना है। सेंटर में प्लस देना है।
स्टार्टिंग में आना है, स्टार्टिंग में आपको इसको स्लाइड कर देना है ऐसी, एंड में आना है, एंड में स्लाइड कर देना है, स्टार्टिंग में आना है, स्टार्टिंग के सेंटर में आना है, कर्व पर टिक करना है आपको इसको ऐसे कर देना है, थ्री डॉट पर टैप करना है, कॉपी कर्व करना है, एंड में आना है, एंड के सेंटर में आना है, थ्री डॉट पर टैप करना है, पेस्ट कर्व कर देना है, एरो पर टैप करना है, बैक आना है, सेकंड ऑप्शन देखने को मिलता है इस पर टैप करना है, स्टार्टिंग में प्लस देना है, सेंटर में प्लस देना है, एंड में प्लस देना है, एंड में प्लस 10 कर देना है, स्टार्टिंग में आना है, स्टार्टिंग में माइनस 10 कर देना है, बैक आना है, ग्रुप पर टैप करना है, टाइमर पर टैप करना है, आप यहाँ से इसकी ड्यूरेशन कम ज़्यादा कर सकते हैं, ग्रुप पर टैप करना है, प्लस पर टैप करना है, डुप्लीकेट लेयर पर टैप करना है, कॉपी लेयर पर टैप करना है, होल्ड करके आपको इसको आगे की साइड कर देना है, सॉन्ग के अकॉर्डिंग सॉन्ग की नेक्स्ट लाइन लिखने के लिए ग्रुप पर टैप करना है, एडिट ग्रुप पर टैप करना है, लिरिक्स लेयर पर टैप करना है, एडिट टेक्स्ट पर टैप करना है, आप यहाँ पर सॉन्ग की नेक्स्ट लाइन लिख सकते हैं, टिक कर देना है, इमोजी चेंज करने के लिए लेयर पर टैप करना है, एडिट टेक्स्ट पर टैप करना है, आप यहाँ पे इमोजी चेंज कर सकते हैं, टिक कर देना है, नेक्स्ट फोटो ऐड करने के लिए ग्रुप पर टैप करना है, एडिट ग्रुप पर टैप करना है, फर्स्ट फोटो पर टैप करना है, आपको इसको डिलीट कर देना है, प्लस पर टैप करना है, मीडियम में टैप करना है, आपको यहाँ से फोटो को सिलेक्ट करना है, फोटो लेयर की साइड में टैप करना है, होल्ड करके आपको इसको नीचे की साइड कर देना है, फोटो लेयर पर टैप करना है, मुंह पर टैप करना है, इस पर टैप करना है, आपको यहाँ से इसके साइज को कम कर देना है, इस पर टैप करना है, आप यहाँ से इसे सेंटर में कर सकते हैं, बैक आना है, न्यू प्रोजेक्ट पर टैप करना है, ग्रुप लेयर पर टैप करना है, टाइमर पर टैप करना है, आप यहाँ से इसकी ड्यूरेशन कम ज़्यादा कर सकते हैं, एनिमेशन चेंज करने के लिए ग्रुप पर टैप करना है, मुंह पर टैप करना है, स्टार्टिंग में आना है, स्टार्टिंग के प्लस पर टैप करके होल्ड करना है, आपको इसको आगे की साइड कर देना है, स्टार्टिंग में इसको अपोजिट साइड स्लाइड कर देना है, प्लस पर टैप करना है, होल्ड करके स्टार्टिंग में कर देना है, ऐसे ही एंड में आना है, एंड में प्लस पर टैप करके होल्ड करके आगे की साइड कर देना है, प्लस पर आना है, सेम स्लाइड कर देना है, प्लस पर टैप करना है, होल्ड करके एंड में कर देना है, बैक आना है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इस टाइप का एनिमेशन आपको देखने को मिलेगा, सॉन्ग की नेक्स्ट लाइन लिखने के लिए आपको फर्स्ट ग्रुप पर टैप करना है, प्लस पर टैप करना है, कॉपी लेयर पर टैप करना है, प्लस पर टैप करना है, पेस्ट लेयर कर देना है, लेयर पर टैप करके आप यहां से ड्यूरेशन कम ज़्यादा कर सकते हैं, ऐसे सेम स्टेप करनी है, ऑल लिरिक्स कंप्लीट कर सकते हैं, लेयर पर टैप करना है, प्लस पर टैप करना है, कॉपी लेयर पर टैप करना है, प्लस पर टैप करना है, पेस्ट लेयर कर देना है, वीडियो को सेव करने के लिए एरो पर टैप करना है, एक्सपोर्ट कर देना है, HDRCC इफेक्ट ऐड करने के लिए ट्यूटोरियल लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां से देखकर आप एडिट कर सकते हैं।